हेलो एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति आई एम स्मृति एंड आई एम सिलेक्टेड एज एन एल आई सी डब्ल्यू ट्वेंटी नाइनटीन दो हज़ार उन्नीस में मैंने एल आई सी डब्ल्यू ओ क्लियर किया था एंड क्योंकि अभी रिसेंटली एल आई सी डब्ल्यू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की नोटिफिकेशन निकली है तो आप में से काफी सारे ऐसे एस्परेंट्स थे जिन्होंने ऐसा मुझसे पूछा था कि मैम थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बताइए या फिर कुछ चीज़ें ऐसी बताइए जिससे हमारा ये वाला एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए क्योंकि मेरे को इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और मैंने कैसे प्रिपेयर किया था उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आज यहां पे मैं आपके लिए फाइव पॉइंट्स लेके आई हूं पांच ऐसे पॉइंट्स जो आपकी मदद करेंगे एल आई सी डब्ल्यू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री क्रैक करने के लिए और ये ऐसे पांच पॉइंट्स हैं जिनमें से डेफिनेटली एक दो पॉइंट्स आपने इग्नोर किए ही किए होंगे ठीक है तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ गाइडेंस वीडियो ये गाइडेंस वीडियो रहेगी ना कि एक स्ट्रैटेजी सेशन रहेगा यहाँ पे मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प हर एक चीज को बताऊंगी जो एकदम टू द पॉइंट हो और आपके माइंड में क्लियर हो जाए तो ध्यान से इस सेशन को सुनना और मेरे साथ एंड तक बने रहना क्योंकि ऐसी बीच बीच में से और भी काफी चीजें मैं बताऊंगी जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं सबसे पहला पॉइंट जो हमें जानना चाहिए जो हमें पता होना चाहिए बहुत अच्छे से दैट इज आर सिलेबस एंड पैटर्न हमें अपने सिलेबस और पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए अब सिलेबस और पैटर्न के बारे में आपने नोटिफिकेशन पढ़ ली होगी नोटिफिकेशन सुन ली होगी लोगों की आपको पता होगा कि तीन वैकेंसीज हैं आपको पता होगा 300 सौ वैकेंसीज हैं हमारे पास जर्नलिस्ट की और एग्जामिनेशन हमारा सेवनटीन ट्वेंटी फेबर को है और एटींथ मार्च को है ये आपको पता होगा नहीं पता हुँगा? तो आप देख लीजिए फेजेस हमारे यहाँ पे तीन रहेंगे प्रिलिम्स एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू प्रिलिम्स एग्जामिनेशन में सेक्शन uh, आएंगे हमारे पास तीन जिसमें से इंग्लिश सेक्शन हमारा क्वालिफाइंग रहेगा यानी कि तीस में से हमें सिर्फ और सिर्फ दस नंबर लेके आने हैं और हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सत्तर में से काउंट होगा ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में बता दिया है तो अगर आपने डिटेल में एकदम हर एक चीज को अच्छे से जानना है तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो मेंस एग्जामिनेशन में हमारे पास ये सारे सब्जेक्ट्स आएंगे एंड ये सारे सब्जेक्ट्स आएंगे जिसमें आपको फिफ्टी क्राइटेरिया है यहाँ पे फिफ्टी मार्क्स लाने जरूरी है इन सेक्शन में तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई हो जाएगा रीजनिंग हमारा 90 मार्क्स का है तो 45 आपको मिनिमम लेके आने हैं जनरल अवेयरनेस में 30 इंश्योरेंस में 30 एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस यानी कि कॉन्स में कितने 45 ठीक है और ये जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन हमारा रहेगा इसमें आपको मिनिमम दस नंबर लेके आने हैं और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है यानी कि इसके नंबर मेंस में ऐड नहीं होंगे ठीक है समझ में आ गई ये आप सबको पता भी होगा और आपने सबने अच्छे से पढ़ा भी होगा आई गेस ऑल्सो अब इसके आगे मैं सिलेबस की बात करूंगी तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक क्रिस्प एनालिसिस दे दूं वैकेंसीज का और पैटर्न का. काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि वैकेंसीज बहुत कम है और काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि पैटर्न इतना गड़बड़ाया हुआ है कि हम तो क्लियर ही नहीं कर पाएंगे ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो अगर वैकेंसीज़ लो है तो वैकेंसीज़ इतनी ही आई हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और रही पैटर्न की बात की हमें फिफ्टी परसेंट लाने जरूरी है तो हमारा जो पेपर होता है ना एल आई सी डब्ल्यू का जो पेपर होता है हम सब सुनते हैं कि ये एस बी आई या फिर किसी भी पीओ रैंक के बराबर का है लेकिन अगर मैं लेवल ऑफ पेपर की बात करूं तो इसका लेवल जो होता है एस बी आई पी के जितना नहीं होता है इसका लेवल जो होता है वो या तो आर आर बी पी लेवल होता है या उससे प्लस वन होता है मतलब आई बी पी एस पी और एस बी आई पी से नीचे का लेवल रहता है क्वेश्चंस इतने टफ नहीं आते हैं कि हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस इतने इजी आते हैं कि काफी ज्यादा बार देखा भी गया है कि रीजनिंग में मान लो 90 मार्क्स का पेपर है तो बच्चे इसमें 80 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं 70 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं पेपर इतना अच्छे लेवल का आता है ठीक है समझ में आई तो हमें डरने की बात नहीं है कि हम 50 परसेंट क्लियर नहीं कर पाएंगे 50 परसेंट क्लियर हो जाएगा ऐसी बात नहीं रहेगी कि एसबीआईपीओ में आपके दो नंबर आ रहे कौन में तीन नंबर आ रहे आप पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाते लेकिन इसमें क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि डुएबल क्वेश्चन होते हैं हम सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो बहुत ही खतरनाक देखने को मिलता है हमें बाकी सेक्शंस के बारे में भी आगे डिस्कस करूंगी यहां पे हमारे पास सबसे पहले सिलेबस है कौन का देखो अगर आप बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो जो बैंक एग्जामिनेशन का सिलेबस होता है वही हमारा एल आई सी डबलू का सिलेबस है कोई भी सिलेबस में क्वेश्चंस में किसी भी तरीके का फर्क नहीं रहेगा यहाँ पे काफी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने कवर किए हुए हैं इसके अलावा यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम भी रहेगा तो एक दो टॉपिक्स हैं जो प्लस माइनस हो जाएंगे बाकी मैक्सिमम मैंने कवर कर दिए हैं यहाँ पे ठीक है ये हमारा रीजनिंग का रहेगा ये रीजनिंग का सिलेबस रहेगा ठीक है समझ में आ गई और पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स बहुत आती हैं यहाँ पे ये इंग्लिश का रहेगा अब इंग्लिश का ये ग्रामर के टॉपिक्स हैं बट इसके आगे सब टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास फिलर्स भी आते हैं जिसमें सिंगल फिलर्स भी आ सकते हैं डबल भी आ सकते हैं बट डबल और ट्रिपल फिलर्स जो होते हैं ना ज्यादातर मेन्स एग्जाम में देखने को मिलते हैं ज्यादातर तो मेन्स एग्जाम में तो इंग्लिश है ही नहीं इसलिए हमें इंग्लिश इतनी कर लेनी है कि हमारा प्री क्लियर हो जाए यानी कि अगर आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो तो वही सिलेबस रहेगा जो आपके प्री में आता है ठीक है तो ये हमारा बेसिक बेसिक था इसके आगे सब टॉपिक्स भी बनते हैं आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा जैसे पैरा जम्बल पैरा कंप्लीस कम्प्लीशन मैच कॉलम्स स्टार्टर्स आते हैं तो इसके आगे सब टॉपिक निकल जाते हैं ठीक है अब एक चीज मैं आपको और बता दूं जैसे आप इंग्लिश की बात कर रहे हो और जैसे मैंने लेवल की बात करी कि लेवल हमारा जो होता है वो आर पीओ लेवल का होता है तो यहां पे जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो आर आर बी को टारगेट करते हैं कि हम लोग आर आरबी पीओ देंगे क्यों क्योंकि उसमें इंग्लिश सेक्शन नहीं होता है तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी ऑपरचुनिटी है बिकॉज इंग्लिश इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग सेक्शन है नंबर एड नहीं होंगे इंग्लिश के तो अगर आपका क्वांट्स और रीजनिंग स्ट्रांग है तो आप डेफिनेटली प्री तो क्लियर कर जाओगे और आपको मेंस में भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोग इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लोगे और बाकी बच्चे भी हैं उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तो ये है ही आपको सिंपल जो हमारा प्री एग्जाम में आता है मैं बोलूं आर आर बी पीओप्री में तो इंग्लिश नहीं आती आई बी पी एस पीओ की जो इंग्लिश होती है उससे कम ही लेवल रहता है ठीक है बट आप इतना भी तैयार कर लोगे तो भी चलेगा इससे कम लेवल ही हमारे पास रहेगा और बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस हिसाब के हमारे क्वेश्चन आते हैं अब नेक्स्ट बात हम करते हैं व्हाट टू डू फॉर प्रीलिम्स दिस इज द सेकंड पॉइंटर हमें प्रीलिम्स के लिए करना क्या है करना कैसे है इतना करना है तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी यहां पे सबसे पहले हम लोग अगर बात करें रीजनिंग की आई होप ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा ठीक है रीजनिंग की अगर मैं बात करूं यहां पे तो अपने पास टॉपिक्स होते हैं पजल सीटिंग अरेजमेंट पिस्लिनियस टॉपिक्स होते हैं आपको कितना करना है कि आपका पेपर निकल जाए यहां पे मैं बात करूंगी उन एस्पिरेंट्स के बारे में जो एल आईसी डब्लो के लिए सोच रहे हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग ही होंगे क्यों होंगे क्योंकि अभी ऐसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने कुछ ही टाइम पहले पांच छह दिन पहले सात आठ दिन पहले दस पंद्रह दिन पहले तैयारी शुरू की है आप लोगों के लिए फिजिबल नहीं है एल आई सी क्लियर करना आप लोग के लिए बिल्कुल भी नहीं रहेगा ये क्लियर करने के लिए क्योंकि इतने कम टाइम ऑफ स्पैन में आप लोग इतना नहीं पढ़ सकते हो कि पेपर क्लियर हो जाए तो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक काफ़ी सारे एग्जाम्स दिए हैं या फिर जिनकी तैयारी अच्छी है बट अभी पहला एग्जाम ही यही है तो उन लोगों को टारगेट करके मैं चलूंगी मैं यही समझ के चल रही हूं कि आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है सिलेबस ऑलमोस्ट काफी सारा आपका कवर्ड अप है तो ये आपके सामने सारा कुछ लिखा हुआ है टॉपिक वाइज पजल अगर मैं बोल तो लीनियर होती है, होती है, होती है, होती है और हमारे एक टाइप को आपको दो दिन देने हैं और इतने इतने डेली की करनी है दो से तीन पजल प्री की करनी है और एक पजल मेंस की करनी है मेंस की तैयारी को हम साथ ही लेकर चलेंगे ताकि बाद में हमें कोई भी दिक्कत ना आए मेंस के लिए प्रिपेयर करने को एक मेन्स की पजल सफिशिएंट रहेगी टॉपिक में भी हर एक टॉपिक को आपने दो दिन देने हैं एक टॉपिक को आपने दो दिन करने है। एक दिन कर लेना पांच क्वेश्चन बिफोर द एग्जामिनेशन आपका एग्जामिनेशन है सत्रह को और बीस को तो मैं मानूंगी आठ नौ तारीख तक आपके टॉपिक्स खत्म हो जाने चाहिए ये जो चीज है ना ये आपको आज से लेके आठ नौ फरवरी तक करनी है एग्जाम से एक हफ्ता पहले तक सेक्शनल टेस्ट आपको इसका ऑल्टरनेट डे पे लगाना है रीजनिंग का जो सेक्शनल टेस्ट होता है एक आप लगाओगे डे पे आज आपने रीजनिंग लगाया कल मैथ्स रीजनिंग मैथ्स रीजनिंग मैथ्स ऐसे करके आप लगाओगे डेली जो भी आप टॉपिक कर रहे हो उसकी एक टॉपिक वाइज क्विज दे देना इतना सफिशियंट रहेगा आगे मैं बात करूंगी क्वांट की क्वांट के आपको डेली के स्पीड बूस्टर सेशन तो करने हैं क्योंकि ये आपको बैंक एग्जाम में भी हेल्प करता है एल में भी हेल्प करेगा स्पीड बढ़ेगी इतने इतने क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सिमेशन के करने हैं नंबर सीरिंग में मिसिंग नंबर दस कर लेना और रॉन्ग नंबर भी दस कर लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग दस करेंगे डेली के टिक के जो चैप्टर्स होते हैं आपको चैप्टर वाइज सारे के सारे को करना है। हर एक को दो दिन भी दो एक तो प्री के कर रहे हो तो 15 आपने करने हैं और पांच क्वेश्चन के करने हैं अगर मैं डी की बात करूं तो डी हमारे पास काफी सारे टाइप्स की होती है लाइन बार रडार ग्राफ ये जितनी भी टाइप्स के डी होती हैं हर एक टाइप को आपने दो से तीन दिन में कवर करना है प्री की या आप, कर सकते हो। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन डिसाइड करोगे कि आपने कितने करने इतने करने हैं कि ज्यादा करने हैं कि कम करने हैं जो भी चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हो उसकी एक टॉपिक वाइज क्विज अगर डेली भी लगा लोगे तो भी चलेगा सिर्फ एक क्विज और ऑल्टरनेट डे पे एक सेक्शनल uh, टेस्ट जैसे आज रीजनिंग कल क्वांट्स फिर रीजनिंग फिर क्वांट्स फिर रीजनिंग फिर क्वांट्स वीकेंड पे चाहे आप मत देना छह दिन भी दे लोगे तो भी चलेगा क्योंकि आपका अच्छा खासा ऑलरेडी सिलेबस कवर हो चुका है ठीक है आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा अब मैं बात करूंगी इंग्लिश लैंग्वेज की क्योंकि इंग्लिश हमारे सिर्फ और सिर्फ प्री में आ रही है तो हमें उतना ही करना है जितने से प्री क्लियर हो जाए डेली का एक एडिटोरियल एक आरसी हमें प्री के लिए करनी है ठीक है सोर्सेज में आपको आगे बताऊंगी एक टॉपिक जैसे मान लो आज आपने किया मैच दी कॉलम या आपने किया आज क्लोज टेस्ट तो क्लोज टेस्ट को आपने दो से तीन दिन देने हैं दस क्वेश्चन आपने प्रिलिम्स के कर लेने हैं मैच दी कॉलम के दस क्वेश्चन आपने प्रीलिम्स के कर लेने हैं एक आरसी करनी है डेली के डेली ठीक है और सेक्शनल टेस्ट आपको दो से तीन हर हफ्ते लगाना यानी कि आप दो दिन छोड़ के भी लगा सकते हो और ऑल्टरनेट डे पे भी लगा सकते हो जिनकी इंग्लिश सेक्शन काफी ज्यादा वीक है वो ऑल्टरनेट डे पे लगा लेना और जिनकी इंग्लिश सेक्शन काफी अच्छी है वो एक वीक में दो भी लगा सकते हो ठीक है वो आपको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देखना है करूंगी जनरल अवेयरनेस की तो जनरल अवेयरनेस आज से शुरू करनी है और मैंने मेंस एग्जाम तक आपको बताई है अब काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम जनरल अवेयरनेस में करना क्या है होता क्या है कितनी करनी है तो आपको पास्ट सिक्स मंथ्स की करनी है यानी कि अक्टूबर से लेकर 16 मार्च तक की करंट अफेयर्स आपको करनी है करंट अफेयर्स में आपको ध्यान क्या रखना है अगर तो आपका कोई बैंकिंग एग्जामिनेशन साथ में है या आप बैंक की भी तैयारी कर रहे हो तो आप सारी की सारी करंट न्यूज को फोकस करोगे जैसे SBI, o, आपका है तो आपको बैंकिंग की भी पढ़नी क्योंकि साइमल्टेनियसली तैयारी हो जाएगी लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एल आई सी डबलो पर फोकस कर रहे हो तो आपको करंट की जो इंश्योरेंस की न्यूज होती है ना जो इंश्योरेंस रिलेटेड करंट न्यूज होगी उसको ज्यादा फोकस करना है बिकॉज यहाँ पे बैंकिंग की करंट न्यूज नहीं पूछी जाती सिर्फ और सिर्फ कोई अफेयर हो रहा है उसमें इंश्योरेंस का ज्यादा वेटेज होता है ठीक है तो इसको ध्यान में रखना है बट अगर दोनों प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको दोनों करनी पड़ेगी ऑल्सो अब आप ऑलरेडी प्रिपेयरिंग हो तो मैंने ये समझा होगा कि आप डेली का करते आ रहे हो तो जैसे आपने एसबीआई एसबीआई क्लर्क आर पीओ आर आरबी क्लर्क पीओ आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी करी है आपने उसी तरीके से ही जनरल अवेयरनेस करनी है उसी तरीके से ही आपने डेली की करंट अफेयर्स करनी है डेली की एमसीक्यू करने हैं जो डेली का करते आ रहे हैं वो सुन लेना वीकली रिवीजन करनी है आपने एंड देन मंथली रिवीजन करनी है जैसे आप कर रहे हो उसमें आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे अब जिन्होंने करंट अफेयर्स को हाथ तक नहीं लगाया जिनको पता ही नहीं कि कैसे करनी है उनके लिए जिस भी सोर्स को आप फॉलो करोगे जिस भी सोर्स को आप फॉलो करोगे उनकी मंथली पी आती हैं आपको मंथली पी से ही सारे के सारे करंट अफेयर्स को कवर करना है क्यों क्योंकि अगर आप डेली का करने बैठोगे तो आपके लिए इतना नहीं फिजिबल होगा कि आप डेली का करके पेपर क्लियर कर लोगे टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा इसके अंदर आपको वीडियो कोर्स भी नहीं देखना डेली की जो आप वीडियो वीडियोस देखते हो वो भी नहीं देखनी आप जस्ट मंथली पीडीएफ लोगे उसको अच्छे से पढ़ोगे अच्छे से रिवाइज करोगे और उसी में से आपको करना है ज नो अदर ऑप्शन रिविजन का तो फिर सवाल ही नहीं उठता जब तक सिलेबस कवर नहीं होगा तब तक रिविजन कैसे करोगे और ऐसा काफी ज्यादा देखने को मिलता है बैंक एग्जाम्स के अंदर की लास्ट जो थ्री फोर मंथस होते हैं उनकी पूछी जाती है, है ना? तो लास्ट थ्री फोर मंथस पहले कर लेना उसके बाद के जो पिछले मंथ बचे हैं वो कर लेना ठीक है मंथली पीडीएफ ऑल्सो अगर किसी को वीडियो देखनी है तो इस चैनल पे स्टडी नीति पे एक मैराथन सेशन अवेलेबल है बारह घंटे का उसमें पास्ट सिक्स मंथ्स की करंट अफेयर्स करवाई है एस बी आई के एग्जाम को मद्देनज़र रखते हुए अभी ही कराई है तो आप अगर उससे भी कर लोगे तो भी आपका हो जाएगा बाकी जो एक महीना अभी वाला पड़ा है उसको आपको सेपरेट करना पड़ेगा तो ये भी आपके पास ऑप्शन है।, तो है।, है तो आपकी करंट पूछी जाएगी आपको हिस्ट्री सिविक्स, आपको कुछ नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा जो एस एस सी का सिलेबस होता है आपको वैसा नहीं पढ़ना जो आप बैंक के लिए पढ़ते हो आपको वैसा ही पढ़ना है स्टैटिक जीके डैम रिवर बिल्डिंग नेशनल पार्क सब उसी में से पूछा जाएगा जो करंट में न्यूज चल रही है आई होप जीए आपकी क्लियर हो गई होगी ठीक है अब मैं बात करूंगी इंश्योरेंस की जिसका काफी सारे बच्चों को बेसब्री से इंतजार था कि मैम इसके बारे में डिस्कशन करेगी डिस्कशन कर लेते हैं ये आपको आज से शुरू करनी है और मेंस तक करनी है अब एक सोर्स जो सब लोग बता रहे हैं है ना आपने काफी लोगों से सुना भी होगा बट उसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अच्छे से रिसर्च करके आपको बताया हमारे पास ना तीन मॉड्यूल हैं आई वन टू एंड आई फोर्टीन ये तीन मॉड्यूल है, हैं यानी कि तीन पी हैं जिनसे आपको पढ़ना है और इन पीडीएफ को पढ़ के आपका सारा इंश्योरेंस का सिलेबस कवर हो जाएगा अगर आपको सिर्फ और सिर्फ खुद से पढ़ना है आई वन में बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस दिया हुआ है आईसी टू सारा का सारा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में क्योंकि हम लोग एल में जा रहे हैं तो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए और आईसी फोर्टीन में रेगुलेशन वगैरह बताई हुई है आई आई के बारे में ज्यादा जिक्र किया गया और ये सब चीजें बताई गई है बेसिक लाइफ इंश्योरेंस एंड रेगुलेशन अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है खुद से पढ़ना है तो दिस इज द ऑप्शन लेकिन इसका एक कॉन क्या है यानी कि डिसएडवांटेज क्या है इसकी हर एक पीडीएफ 200 से 250 पेज की है आई सी वन भी आई सी टू भी आईसी थ्री भी तो आपके पास 700-800 पेज हो रहे हैं 700-800 पेज की आपके पास टोटल पीडीएफ अवेलेबल है अब अगर आपके लिए फिजिबल है कि आपको पढ़ना है इससे दैट इज अप टू यू और इसमें काफी सारी ऐसी चीजें भी हैं जो नहीं पढ़ने वाली हैं जो बहुत ज्यादा डिटेल में दी गई हैं जिसको कट शॉर्ट करना पड़ता है तो उस चीज में आपको थोड़ा सा रहेगा कि आपको खुद से इस चीज को देखना पड़ेगा और आप आपको जब नहीं पता होगा कि क्या चीज हमें नहीं पढ़नी तो आप सारा ही पढ़ोगे टाइम ज्यादा वेस्ट होगा अब इसका सोल्यूशन क्या है टू द पॉइंट मटेरियल आपको चाहिए एग्जाम रिलेटेड मटेरियल आपको चाहिए तो मेरी कपिल सर से बात हुई थी ही वॉज से आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग समथिंग टू द स्टूडेंट्स एक बहुत ही अच्छा कोई चीज है जो वो uh, जिसका इनिशिएटिव ले रहे हैं और उसमें सारी की सारी इंश्योरेंस अवेयरनेस है ना जो सारी की सारी जो इंश्योरेंस अवेयरनेस है सर कवर करवा देंगे कुछ ही घंटों में है ना कुछ ही टाइम फ्रेम में टू द पॉइंट आपको मटेरियल मिल जाएगा आपको आलतू फालतू की चीजें पढ़नी नहीं पड़ेंगी और आपको एक वीडियो के थ्रू भी मिल जाएगा तो आपको समझ में लग जाएगी थोड़े अच्छे तरीके से क्योंकि अगर हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो अच्छा समझ में आता है खुद से पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कम समझ में आता है तो ये सर इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसके बारे में आपको दो तीन दिन में पता चल जाएगा क्योंकि हर एक जो अच्छी चीज होती है ना वो थोड़ा सा समय लेती है अब क्योंकि एल ने टाइम हमें इतना कम दिया ना तो वी हैव ऑल द रिसोर्सेज हमारे पास हैं और दो तीन दिन बस इसको लगेंगे लॉन्च करने के लिए आपके सामने और ये ऐसी चीज है जो हर बच्चा पढ़ पाएगा ऐसा नहीं है जो कोई बच्चा कहेगा नहीं जी हम तो नहीं कर सकते और कोई बच्चा कहेगा नहीं हम तो कर लेंगे ये सबके लिए रहेगी तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे आ, ये देख सकते हो कि आपको क्या चीज़ बेटर लग रही है ठीक है तो क्योंकि अच्छी चीजें टाइम लेती हैं तो अगर आप मेरी वीडियो आज देख रहे हो तो आज से दो तीन दिन तक अगर आपने थोड़ा सा लेट मेरी वीडियो देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा वो लिंक क्लिक करके आपको इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ठीक है इंश्योरेंस इंश्योरेंस का का कंप्लीट है है एंड जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन वो आपको खुद से करना है और कैसे पढ़ना है वो आप सॉर्ट आउट कर ही लोगे अब मैं कुछ पॉइंटर्स के बारे में बात कर लूं जिसको ये जानना है कि जो सिलेबस है मुझे एकदम ऐसे डिटेल्ड फॉर्मेट में पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो मैंने ना बैंक एग्ज़ाम्स के लिए एक बेसिक सेशन अपलोड किया था बैंक एग्ज़ाम के लिए बेसिक सेक्शन सेशन तो उसमें मैंने सारा का सारा सिलेबस कवर किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस सेशन पे आप सारा का सारा डिटेल्ड फॉर्मेट में सिलेबस वगैरह देख सकते हो अगर आपको सिलेबस जानना है ठीक है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसमें मैंने थोड़ा क्रिस्प फॉर्मेट में कवरअप किया है क्योंकि बैंक और इंश्योरेंस का सिलेबस सेम ही होता है तो आई थॉट रखते हैं ठीक है ये चीज़ हो गई। अब एक और चीज़ मैं बता दू उससे पहले नहीं बता ही देती हूं पहले अगर आप यहां पर देखो ये चीज आप में से काफी सारे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि जो एस बी आई पीओ क्लियर करेगा उसका हो जाएगा मेरा नहीं होगा जो IBPS PO करेगा, उसका हो करेगा मेरा नहीं होगा so हो हो लेकिन एल आई सी सबके लिए एट पार है क्यों है यहां पे जो हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन है और इंश्योरेंस अवेयरनेस का सेक्शन है इसमें आपको 50 परसेंट लेकर आने जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चों के नहीं आते हैं मेरे टाइम पे 2019 में ऐसे एस्पिरेंट्स ऐसे बच्चे जिनका एस बी आई पी ओ आई बी पी एस पी ओ क्लियर था उनका एल आई सी डब्ल्यू नहीं क्लियर हुआ था क्यों नहीं हुआ था क्योंकि उनके इंश्योरेंस में और जी में 50 परसेंट मार्क्स आए नहीं थे जबकि उनके 90 में से 80 प्लस इसमें आ गए थे क्वांट और रीजनिंग में तो क्वांट और रीजनिंग हमारी बहुत अच्छी होती है लेकिन करंट अफेयर्स और इंश्योरेंस अवेयरनेस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो यही हमें आज से सीख लेनी है कि हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है ध्यान कैसे देना है आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस तो देखो एट पार है सबके लिए एट पार है क्यों आपको सबको जीरो से स्टार्ट करना है सब जीरो पे हैं सबको जीरो से शुरू करना है तो सब इक्वल पेस पे चलेंगे करंट अफेयर थोड़ा सा स्ट्रॉग कर लोगे तो आपके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा तो अगर आप एवरेज भी हो अगर आपका अच्छा खासा तैयारी भी है तो भी आप क्लियर कर सकते हो यह मन में वह मत रखना कि जिसका एसबीआई क्लियर है वो क्लियर कर जाएगा प्लस इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो भी अगर आप देखोगे हमारे जो करंट अफेयर्स के मार्क्स थे इंश्योरेंस के थे इंटरव्यू के थे टोटल कितना होता है वन एट्टी और मैथ्स uh, और रीजनिंग का टोटल कितना होता है वन एट्टी तो अगर आप ये पोर्शन स्ट्रांग कर लेते हो और इसमें आप मिनिमम मार्क्स भी ले आते हो फिफ्टी सिक्सटी परसेंट तो भी आपका पेपर क्लियर है क्योंकि इंटरव्यू के पूरे मार्क्स एड होने हैं प्लस एक चीज़ और जैसे बैंक एग्जाम में देखते हैं कि मेन्स में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उसका तीन गुना बुलाते हैं बैंक एग्जाम में लेकिन 2019 में जो मेंस में बच्चे सिलेक्ट हुए थे उसका टू टू पॉइंट वन परसेंट बुलाया था इन्होंने इंटरव्यू में क्यों बुलाया था क्योंकि बच्चों का पेपर ही नहीं क्लियर हुआ था फिफ्टी परसेंट मार्क्स ही नहीं क्लियर हुए थे तो साढ़े तीन सौ सीट थी मेंस में बुलाए थे सात सौ पैंतीस तो एक सीट के ऊपर सिर्फ दो बच्चे थे दो या टू पॉइंट वन या टू पॉइंट टू क्या उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता आप सिलेक्शन डेफिनेटली ले सकते हो अगर आप ये तीन चीजें करंट अफेयर्स इंश्योरेंस और इंटरव्यू अपना स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो अब मैं बताऊंगी व्हाट टू डू फॉर मेन्स मेन्स के लिए आपको क्या करना है रीजनिंग और क्वांट्स पे ज्यादा ध्यान मत देना अगर आपका स्ट्रांग है तो आ, आपको दो डी आई और दो पजल सिटिंग अरेंजमेंट डेली की करनी है दस क्वेश्चन के करने है स्पीड बूस्टर डेली रखना है क्योंकि बैंक एग्जाम भी है अरिथमेटिक के दस मेंस के क्वेश्चन करने हैं दो मेंस की डीआई करनी है इंग्लिश का मेंस में नहीं आता तो डिस्क्रिप्टिव में एक लेटर और एक ऐसे आप परविक कर लोगे तो भी चलेगा अब डिस्क्रिप्टिव का अगर मैं बोलूं सोर्स तो आपको ये सोर्स जो है या मैं बोलूं इसके बारे में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे अपडेट मिल जाएगी एसून एज uh, थोड़ा सा टाइम टप जाए थोड़ा सा हमारे पास भी हम लोग इसका मटेरियल बना लें तो टेलीग्राम पे आपको इसका मटेरियल मिल जाएगा लेटर और ऐसे का तो आप उससे कर सकते हो मॉक टेस्ट की बात करूँगी आपको कितने लगाने हैं तो अगर आपका प्री एग्जामिनेशन है आठ से नौ तारीख तक अभी आपको वीकली दो फुल लेंथ लगाने हैं और एक नेंस लगाना है जब एग्जाम में एग्जाम में एक दिन बच एक हफ्ता बच जाए तो आपको दो से तीन फुल लेंथ पर डे लगाने हैं आप प्रैक्टिस छोड़ देना क्योंकि उसमें भी मैंने प्रैक्टिस इंक्लूड नहीं करी थी और मेंस का आपको नहीं लगाना यहां से आपकी सारी की सारी प्रैक्टिस हो जाएगी और जब मेंस एग्जाम आ जाएगा दस मार्च तक आपको ऑल्टरनेट डे पे फुल लेंथ मेन्स मॉक टेस्ट देना है या अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है और आपको सी इंश्योरेंस पे फोकस करना है तो आप एक हफ्ते में दो भी लगा सकते हो और एक हफ्ता पहले आपको कोई मौके लगाना हमें कुछ ध्यान नहीं देना सिर्फ करंट अफेयर्स इंश्योरेंस अवेयरनेस पे ध्यान देना लास्ट एंड फाइनल पॉइंट सोर्सिस सबसे पहले सोर्सेज मैं बताऊंगी रीजनिंग के तो आपके पास ये बुक्स हैं और ये टीचर्स हैं अगर आप फ्री में भी पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल पे मेरी काफी सारे सेशन अवेलेबल हैं फ्रॉम बेसिक टू मेन्स बेसिक टू एडवांस तो आप मुझसे भी पढ़ सकते हो और बाकी टीचर्स भी आपके सामने हैं तो ये चीज़ आप रेफर कर सकते हो कॉन्ट्स में भी मैं यही बोलूंगी मेरी भी काफी सारे सेशंस अवेलेबल हैं तो अगर आपको फ्री में कुछ देखना है और अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट है ठीक है तो आप मुझसे कर सकते हो बेसिक टू एडवांस और बाकी टीचर्स और बुक्स भी अवेलेबल है क्लियर अब इंग्लिश जो हमारा इंग्लिश सेक्शन है उसके लिए भी बुक्स हैं और टीचर्स हैं और डिस्क्रिप्टिव के बारे में मैंने आपको बताई दिया अब लास्ट में बात करूंगी ये पांच पॉइंट्स हुए मैं आपको ना मॉक टेस्ट के सोर्स के बारे में थोड़ा सा बात करूंगी आप में से काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको ऐसी दिक्कत आती है कि मैम हमारे पास जो मॉक टेस्ट जिस भी वेबसाइट के हैं उसमें या तो सिर्फ और सिर्फ इजी मॉक टेस्ट हैं या सिर्फ और सिर्फ हार्ड मॉक टेस्ट हैं तो वी हैव कम अप विद एन इनिशिएटिव जो हमारा वेबसाइट है या ऐप है स्टडी नीति हमारे खुद के मॉक टेस्ट हैं हमारी खुद की वेबसाइट है खुद की एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर डाउनलोड आप कर लेना इस पे हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है हमारे पास जो मॉकटस अवेलेबल हैं वो थ्री सेवनटी फाइव रुपीज़ का एक पैक है कॉम्बो है जिसमें आपको ईजी लेवल अलग मिल जाएंगे ईजी लेवल दैट इज़ बिगिनर्स लेवल और आपको एडवांस लेवल अलग मिल जाएंगे दैट इज़ ऑलरेडी प्रिपेयरिंग लेवल तो अगर आप ये 375 वाला पैक को प्रेफर करते हो तो यहाँ पे आपकी एल की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाएगी और एल के जो मॉक्स हैं वो हम लोगों ने उस पर अपडेट करने शुरू कर दिए हैं तो एल के मॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अब आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि मेरे को क्या इजी करने हैं क्या मुझे टफ करने हैं हमारे जो मॉक टेस्ट हैं काफी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं एकदम एग्जाम रेलिवेंट टेस्ट हैं क्योंकि जो चीज़ मैंने अपनी प्रिपरेशन में लैक करी थी वो मैं लैक इसमें नहीं करना चाहती थी तो उस तरीके से हमने इनको डिज़ाइन किया है दोनों लैंग्वेजेज़ में रहेंगे हिंदी में इंग्लिश में एंड आपको वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहेंगे एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल रहेंगे तो अगर आप मोबाइल यूज़र हो तो आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो तो इस चीज़ को आप देख लेना और जो लिंक होगा वेबसाइट का वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा तो आप वेबसाइट में जाके अच्छे से चेक कर लेना एंड अकॉर्डिंग टू मी ये एक आपका बेस्ट सोर्स रहेगा हमारा है मैं इसलिए नहीं बोल रही मैं क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूं अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो डेफिनेटली यू शुड गो विद दिस एंड अफोर्डेबल तो है ही आप खुद देख सकते हो इतना अगर आप पे करते हो तो उसको उससे ज्यादा आपको आउटपुट मिलेगा तो दीज वर द फाइव पॉइंटर्स जो मैंने इस सेशन में डिस्कस किए हैं एंड आई होप आपको पांचों पॉइंटर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं रहा होगा जो मैंने यहाँ पे मिस किया होगा तो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे आई होप मैंने आपको जो जो भी आपकी कमियां थी वो वो uh, मैंने प्रेजेंट आपके सामने कर दी होंगी एंड आपको इन चीज़ों को रेक्टिफाई करना आ जाएगा प्लस वन चीज़ अगेन आपको जो मॉकटस देने हैं उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है सो दिस वॉज फॉर टुडे आई एम विशिंग यू गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन एल आई एंड आई वॉन्ट टू सी जितने भी लोग बहुत सीरियस एस्पिरेंट हैं आप लोगों का सिलेक्शन आप लोगों का नाम एल आई सी डब्ल्यू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की लिस्ट में डेफिनेटली होगा आई एम विशिंग यू ऑल द गुड लक थैंक यू एंड बाय बाय